हे गेमर्स, क्या आप लोग के पास भी एक पीसी है एंड उसमें जो है आप लोग अच्छे अच्छे गेम्स को खेलना चाहते हो, बट आप लोग के पास पैसे नहीं गेम्स को परचेज करने के लिए? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, क्योंकि आपका भाई है ना। क्योंकि यार आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 फ्री टू प्ले गेम्स ऑन स्टीम। सब सारे गेम्स यार बहुत ही कमाल के हैं, उनको प्ले करने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। एंड हाँ, इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने पहले भी और वीडियोस को बना रखा है, तो आप लोग जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार इस वाली वीडियो में वो कौन से 10 गेम्स हैं उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 10th नंबर पे गेम आता है वो है वर्ल्ड वॉर 3। ये एक टैक्टिकल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, जिसमें आप मॉडर्न डे मिलिट्री कॉम्बैट का मजा लेते हैं। इस गेम में आपको लार्ज स्केल बैटल्स और रियलिस्टिक वॉरफेयर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को रियलिस्टिक वेपन्स, व्हीकल्स और टीम वर्क का यूज़ करके वास्ट अर्बन बैटल फील्ड पर अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है। जहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट्स गेम के कोर मैकेनिक्स हैं। गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो डिटेल्ड और रियलिस्टिक हैं, जो आप लोग को सिनेमैटिक बैटल एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप हाईली डिटेल्ड एनवायरनमेंट जैसे सिटीज, मिलिट्री बेसेस और इंडस्ट्रियल एरियाज में इंटेंस कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं। और इस गेम में आप लोग को कस्टमाइजेबल वेपन्स और टैक्टिकल गियर मिलते हैं, जो आपको अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोड आउट बनाने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को टैक्टिकल शूटर्स, मॉडर्न वॉरफेयर और लार्ज स्केल मल्टीप्लेयर बैटल्स पसंद हैं, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है माई हीरो अल्ट्रा रंबल। ये एक फ्री टू प्ले 24 प्लेयर बैटल रॉयल गेम है, जो पॉपुलर एनिमे माई हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स में सेट है। इस गेम में आप आइकॉनिक हीरोज और विलेंस का रोल प्ले करते हैं, जो अपने पावर्स का यूज़ करके एक बैटल फील्ड पर सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। जहाँ गेम में आप लोग को स्ट्रेटेजिक टीम प्ले और फास्ट पेस्ड कॉम्बैट का ब्लेंड मिलता है, जो ट्रेडिशनल बैटल रॉयल फार्मूला को एनिमे स्टाइल सुपर हीरो एक्शन के साथ कंबाइन करता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो आप लोग को 3 प्लेयर स्क्वाड्स में डिवाइड किया जाता है, और आपको अपने टीम के साथ बैटल फील्ड पर रिसोर्सेज कलेक्ट करते हुए और अपोनेंट से लड़ते हुए सर्वाइव करना होता है। और गेम में आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं, जहाँ हर एक कैरेक्टर की अपनी यहाँ पे यूनिक एबिलिटीज होती हैं, जो आप लोग को गेम प्ले में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और गेम के विजुअल्स शेल शेडेड हैं, जो एनिमे के आर्ट स्टाइल को फेथफुली रिक्रिएट करते हैं। और गेम के कैरेक्टर एनिमेशंस और क्विक इफेक्ट्स वाइब्रेंट और डायनेमिक है, जिससे हर बैटल काफी फ्लैशी और विजुअली अपीलिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप जो है माई हीरो एकेडमिया के फैन हो और आपको बैटल रॉयल गेम्स पसंद है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है DDNet। ये एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्मर गेम है, जो टील वर्ड्स के एक पॉपुलर मोड है। इस गेम में आपको प्रिसीजन प्लेटफॉर्मिंग और कोऑपरेटिव गेम प्ले का मिक्स मिलता है, जहाँ गेम का फोकस या टीमवर्क और स्किल बेस्ड चैलेंजेस पर होता है। जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स मैप्स और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना होता है, अक्सर अपने टीममेट्स के साथ मिलकर। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी यूनिक और चैलेंजिंग है। जहाँ आपका कैरेक्टर एक स्मॉल एजाइल फिगर होता है, जो ग्रैपलिंग हुक का यूज करके वॉल्स, सीलिंग्स और मूविंग प्लेटफॉर्म्स पर लैच कर सकता है। और गेम में आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स मिलते हैं, जहाँ हर मैप मेज लाइक होता है, फुल ऑफ ट्रैप्स, प्रिसीजन जंप्स और डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल, जो आप लोग को टाइमिंग और कंट्रोल के साथ पास करने पड़ते हैं। गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी सिंपल और कार्टूनी है, जिसमें क्लीन मिनिमलिस्टिक डिजाइन का यूज़ किया गया, जो टी वर्ड का सिग्नेचर स्टाइल है। और गेम के लेवल्स यार काफी कॉम्प्लेक्स और वेल डिजाइंड है, जिनको क्लियर करने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्मिंग, कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर चैलेंजेस और प्रिसीजन ड्रिवन गेम्स पसंद है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है डॉन लैंड्स। ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है, जिसमें आप एक वास्ट मिस्टिकल लैंड को एक्सप्लोर करते हैं, रिसोर्सेज गैदर करते हैं और डेंजरस क्रिएचर्स के अगेंस्ट सर्वाइव करते हैं। इस गेम में आप लोग को क्राफ्टिंग, एक्सप्लोरेशन और एक्शन पैक्ड कॉम्बैट का मजा मिलेगा। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को स्टनिंग लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने बेस को बिल्ड करना होता है और पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है। और गेम में आप लोग को रिसोर्सेज कलेक्ट करके वेपन्स और टूल्स क्राफ्ट करने होते हैं, ताकि आप हार्श इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकें। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफी ब्रेथ टेकिंग और कलरफुल है, जो आप लोग को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं, जब आप लश फॉरेस्ट, एंशियंट रुइंस और ब्यूटीफुल बायोम्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इस गेम में आप लोग को क्राफ्टिंग, बिल्डिंग और कॉम्बैट मैकेनिक्स के साथ साथ एक्सप्लोरेशन का भी परफेक्ट बैलेंस मिलता है, जो हर एडवेंचर को एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल, क्राफ्टिंग और ब्रेथ टेकिंग एक्सप्लोरेशन पसंद है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 6th नंबर पे गेम आता है वो है एम लैब। ये एक फ्री टू प्ले एम ट्रेनिंग टूल है, जो FPS प्लेयर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो अपने एमिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। जहाँ गेम का फोकस रिफ्लेक्सेस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और ओवरऑल एमिंग मैकेनिक्स को एनहेंस करता है। जहाँ गेम के गेम प्ले में आप लोग को मल्टीपल ट्रेनिंग मोड्स और सिनेरियोस मिलते हैं, जहाँ आपको डिफरेंट टारगेट्स पर शूट करना होता है।
जहाँ हर सिनेरियो स्पेसिफिक स्किल्स को टारगेट करता है, जैसे फ्लिक शॉट्स, ट्रैकिंग, रिएक्शन टाइम और टारगेट स्विचिंग। और इसका इंटरफेस आप लोग को डिटेल्ड फीडबैक और एनालिटिक्स देता है, जिसमें आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस एरिया में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और गेम का कस्टमाइजेशन फीचर अलाउ करता है कि आप अपने फेवरेट FPS गेम्स के सेटिंग्स को रेप्लिकेट कर सकें, जहाँ आप माउस सेंसिटिविटी, फील्ड ऑफ व्यू और क्रॉस हेयर ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं, ताकि वो सेम फील दें जो आपके रेगुलर FPS गेम्स में होता है, जैसे वैलोरेंट, CS और कॉल ऑफ ड्यूटी। और गेम के विजुअल सिंपल और फंक्शनल हैं, जिसमें टारगेट्स और इन्वायरमेंट्स मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की हैं, ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री एमिंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग को अपने एमिंग स्किल्स को शार्पन करना है कॉम्पिटेटिव FPS गेम्स में बेटर परफॉर्म करने के लिए, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 5th नंबर पे गेम आता है वो है SCP सीक्रेट लेबोरेटरी। ये एक मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है, जिसमें आप SCP फाउंडेशन के अंदर होने वाले डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स और एस्केप सिनेरियोस का हिस्सा बनते हैं। इस गेम में आप लोग को टेंस एटमॉस्फेयर और अनप्रेडिक्टेबल गेम प्ले का मजा मिलेगा। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को डिफरेंट रोल्स मिलते हैं, जैसे साइंटिस्ट, फैकल्टी गार्ड, क्लास डी पर्सनल और टेरिफाइंग SCP एंटिटी। जहाँ हर रोल के जो है अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसे फैकल्टी से बचकर निकलना होता है और कंटेनमेंट इंश्योर करना होता है, या फिर सर्वाइवर को हंट करना होता है। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो डार्क और एटमॉस्फेरिक है, जो आप लोग को एक इमर्सिव हॉरर एक्सपीरियंस देते हैं, जब आप कन्फाइंड कॉरिडोर्स और टेरिफाइंग SCP एंटिटीज से भरे फैकल्टी में सर्वाइव करते हैं। और इस गेम में आप लोग को टीम बेस्ड स्ट्रेटजीज और अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस मिलते हैं, जो हर मैच को यूनिक और इंटेंस बनाते हैं। और SCPs के सुपर नेचुरल एबिलिटीज और ह्यूमंस के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स गेम को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मल्टीप्लेयर हॉरर, टीम बेस्ड गेम प्ले और अनप्रेडिक्टेबल सर्वाइवल सिचुएशंस पसंद हैं, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर पे गेम आता है वो है स्टम्बल गाइस। ये एक फन फास्ट पेस्ड मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है, जो लाइट हार्टेड ऑब्स्टिकल कोर्स चैलेंजेस और गूफी फिजिक्स के लिए जाना जाता है। जहाँ गेम में आप 32 प्लेयर्स के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं, और गोल होता है सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचने का या लास्ट मैन स्टैंडिंग बनने का। जहाँ हर राउंड में एलिमिनेशन होती है और जो प्लेयर्स बचे रहते हैं वो आगे के बढ़ते डिफिकल्टी स्टेजेस में कम्पीट करते हैं। गेम प्ले काफी सिंपल और एडिक्टिव है, जहाँ आपको रनिंग, जंपिंग और डॉजिंग करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और ट्रैप्स से बचना होता है, जैसे स्पिनिंग प्लेटफॉर्म, स्विंगिंग हैमर्स और स्लिपरी सर्फेसेस। और गेम के जो कंट्रोल्स हैं यार, वो भी सिंपल है, लेकिन गूफी रैगडॉल फिजिक्स गेम को केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं, जो हर राउंड को एक्साइटिंग और फनी बना देता है। और इस गेम के विजुअल्स ब्राइट और कलरफुल हैं, जिसमें कार्टूनी कैरेक्टर डिजाइंस और विस्मिकल लेवल्स गेम को लाइट हार्टेड फील देते हैं। और इस गेम के वाइब काफी कैजुअल और फन है, जहां आपको स्ट्रेटजी से ज्यादा क्विक रिएक्शंस और लक पर डिपेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कैजुअल मल्टीप्लेयर गेम्स, ऑब्स्टिकल कोर्स और लाइट हार्टेड कॉम्पिटिशन पसंद है, तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 3rd नंबर पे गेम आता है वो है एस्फेल्ट लेजेंड्स यूनाइट। ये एक एक्शन पैक्ड रेसिंग गेम है, जिसमें आपको वर्ल्ड के टॉप कार्स के साथ एड्रेनलिन फ्यूल्ड रेसेस में कम्पीट करना होता है। इस गेम में आपको फास्ट पेस्ड रेसिंग और स्टनिंग विजुअल्स का मजा मिलेगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को हाई स्पीड रेसेस के दौरान इंसेन ड्रिफ्ट्स, नाइट्रो बूस्ट और स्पेक्टेकुलर स्टंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और गेम में आप लोग को हर रेस में यूनिक चैलेंजेस और ब्यूटीफुली ट्रैक्स मिलते हैं, जो आप लोग के स्किल्स को टेस्ट करते हैं। और गेम के जो विजुअल्स हैं यार, वो भी काफी वाइब्रेंट और हाईली डिटेल्ड है, जो आप लोग को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं, जब आप अर्बन लैंडस्केप, सीनिक रूट्स और ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोगों को वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल कार्स और मल्टीपल गेम मोड्स मिलते हैं, जो आपके रेसिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एक्साइटिंग और इमर्सिव बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आर्केड रेसिंग, थ्रिलिंग कंपटीशन और स्टाइलिश कार्स पसंद है, तो ये गेम आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 2nd नंबर पे गेम आता है वो है MIR4। ये एक फ्री टू प्ले MMORPG गेम है, जो स्टनिंग विजुअल्स और एक्शन पैक्ड कॉम्बैट के लिए जाना जाता है। इस गेम में आपको एक वास्ट ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करना होता है, जहां आपको क्वेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, मॉन्स्टर से लड़ना होता है और PvP बैटल्स में पार्टिसिपेट करना होता है। गेम का सेटिंग एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, जो मार्शल आर्ट्स और मिस्टिकल एलिमेंट्स से फिल्ड है। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी डाइवर्स है, जिसमें कॉम्बैट रियल टाइम एक्शन बेस्ड है, जिसमें आपको पावरफुल मार्शल आर्ट्स स्किल्स और मैजिकल एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए एनिमीज को डिफीट करना होता है। और गेम में ऑटो कॉम्बैट फीचर भी अवेलेबल है, जिसे कैजुअल प्लेयर्स के लिए ग्राइंड ईजी हो जाता है। गेम का PvP सिस्टम काफ़ी इन डेप्थ और डायनेमिक है, जहां आप ओपन वर्ल्ड PvP बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्लैन वॉर्स और सीज बैटल्स के थ्रू लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स में। गेम का इकोनॉमिक सिस्टम भी काफ़ी यूनिक है, जहां प्लेयर्स रिसोर्सेज और लूट कलेक्ट करते हैं
और उन्हें रियल वर्ल्ड करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। और गेम के ग्राफिक्स विजुअली इंप्रेसिव हैं जो अनरियल इंजन का यूज करके डेवलप किए गए हैं। और गेम के एनवायरनमेंट्स काफी इमर्सिव और डिटेल्ड हैं जिसमें लश फॉरेस्ट, एंशिएंट टेंपल्स और मिस्टिकल लैंडस्केप्स इंक्लूडेड हैं। और गेम के कैरेक्टर्स और कॉम्बैट एनिमेशंस भी फ्लूइड और सिनेमैटिक फील देते हैं जो मार्शल आर्ट्स और मैजिक को विजुअली स्टनिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को MMORPGs पसंद है जहां मार्शल आर्ट्स और फैंटेसी का मिक्स हो तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहां पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम आता है वो है स्प्लिट गेट। ये एक फास्ट पेज फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो ट्रेडिशनल एरिना शूटर मैकेनिक्स को पोर्टल्स के इनोवेटिव सिस्टम के साथ कंबाइन करता है, जहाँ इस गेम में आप लोग को क्लासिक FPS एलिमेंट्स और साईफाई मैकेनिक्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है जो गेम प्ले को स्ट्रेटिक और क्योटिक बनाता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो इसका कोर मैकेनिक पोर्टल्स हैं जो आप वॉल्स पर प्लेस कर सकते हैं और इनके थ्रू आप मैप के डिफरेंट पार्ट्स में इंस्टेंट ट्रैवल कर सकते हैं। और आप अपने पोर्टल्स को स्ट्रेटिकली यूज करते हुए एनिमीज को आउट मैन्यूवर करते हैं, उन पर सरप्राइज अटैक्स करते हैं या रैपिडली एस्केप करते हैं। और ये सिस्टम ट्रेडिशनल शूटर्स के साथ एक यूनिक ट्विस्ट ऐड करता है जिससे गेम प्ले ज्यादा डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। गेम का कॉम्बैट भी काफी फास्ट पेस्ड है जिसमें आपको गन्स का डाइवर्स आर्सेनल मिलता है जैसे असॉल्ट राइफल्स, शॉर्ट गन्स, स्नाइपर्स और प्लाज्मा राइफल्स। और गेम में मल्टीप्लेयर मोड्स भी अवेलेबल है जैसे टीम डेथ मैच, किंग ऑफ द हिल, कैप्चर द फ्लैग एंड और भी, जो कॉम्पिटिटिव और कैजुअल प्लेयर्स दोनों के लिए काफी इंगेजिंग होते हैं। और गेम के विजुअल्स और मैप डिजाइन भी काफी क्लीन और फ्यूचरिस्टिक है जिसमें ब्राइट कलर्स और साईफाई एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। और गेम के कंट्रोल्स भी टाइट और रिस्पॉन्सिव है जो फास्ट पेस गेम प्ले को स्मूथ बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को एरिना शूटर्स पसंद है जैसे हेलो और क्विक, लेकिन आप कुछ नया और इनोवेटिव चाहते हैं तो ये गेम आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। सो गाइस, ये थे हमारे आज वीडियो के 10 फ्री टू प्ले गेम्स ऑन स्टीम। तो ये गेम्स यार आप लोग को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स पहले खेल रखे हैं एंड कौन से गेम जाके ट्राई मारने वाले हो वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं यार आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।